Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. हेलो शिकाल जी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल का, जिसका नाम है प्रीत ननवा। आप जानते हैं इस पर हम PTE कराते हैं, और आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है PTE स्पीकिंग डिस्क्राइब इमेज के बारे में। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, आजकल स्पीकिंग में पहले स्कोर कम आ रहा है, और डिस्क्राइब इमेज एक ऐसी चीज़ है जिसका स्कोर आपका स्पीकिंग में ही रहता है, ना किसी और मॉड्यूल में जाता, ना कुछ। और उसके लिए हम लेके आए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। प्रैक्टिकल वीडियो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको जाकर दिखाएंगे, और स्टूडेंट के साथ दिखाएंगे कैसे आपको टेम्पलेट बोल रहे हैं, वही टेम्पलेट आप लर्न कर लेना। हर एक इमेज में वही यूज़ होगा, आपको दिखाया भी, आप प्रैक्टिकल करके कैसे क्या करना है। तो उससे पहले हमने वीडियो बनाई है एक रिपीट सेंटेंस पे और रीड अलाउड पे, जाके आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो कार्ट में लिंक मिल जाएगा, जाके ईजिली चेक कर सकते हो और अच्छा स्कोर आप लेके आ सकते हो स्पीकिंग में। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। तो आ चुके हैं गाइस कंप्यूटर स्क्रीन पर, अब बारी है डिस्क्राइब इमेज के बारे में। डिस्क्राइब इमेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें जो स्टूडेंट गलती करते हैं, और ये फ्री के नंबर होते हैं आपके, फ्री के पॉइंट्स। डिस्क्राइब इमेज आप बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, वो आपको आगे चल के पता चलेगा, देखते रहिए। Have an interesting image in front of me. Let me have a closer look at this. By looking at this image closely, I can see that a number of trends are appearing. The best part of this task is that I have to speak about this image for next 30 seconds. So let's begin with the heading first. It is about annual working hours in Germany. Moreover, there are some colors and numbers. Talking about colors, I can see black, white, blue and yellow. Talking about numbers, I can see 170, 180, 190 and 200. Overall, it can be said that it is a well-informative image providing crucial information about annual working hours in Germany. तो गाइज आपके सामने देखो स्कोर बन के रेडी हो गया जो हमने अभी बोली है। कंटेंट में इसने 90 से 80 उठा लिए हैं, और प्रोनाउंसिएशन में 90 से 17 आए हैं समथिंग, और फ्लुएंसी में 90 से 63। वो इसलिए ख़राब हो जाता है कई बार क्योंकि हम ये लोकल जो ईयरफोन होता है वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये हिसाब लगा सकते हो, हम आपको हर एक तरीके की इमेज इसमें बोल के दिखा सकते हैं। एक तो ये हो गया, हम आपको दो और बोल के दिखाएंगे इसी एक जो आपके पास टेम्पलेट है उसी के साथ, हम दो तीन इमेज आपको बोल के दिखाएंगे सेम, आपने कुछ नहीं करना। तो आपने बिल्कुल बने रही वीडियो में। अब आ गई दूसरी, जैसे पाई चार्ट आ गया, हम उसी टेम्पलेट के साथ आपको बोल के दिखाएंगे अब कि आपको कैसे बोलना है। तो चलो भाई तैयारी कर ले भाई, जो भी देखना है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, चाइना, यूके, 5, 6, 11, 14, 11, 5, 6. I have an interesting image in front of me. Let me have a closer look at this. By looking at this image closely, I can see that a number of trends are appearing. The best part of this task is that I have to speak about this image for next 30 seconds. So let's begin with the heading first. It is about pie chart. Moreover, there are some words, colors and numbers. Talking about words, I can see UK, China, Japan, USA and Australia. Talking about numbers, I can see 5%, 6%, 11% and 14%. Talking about colors, I can see black, white and grey. Overall, it can be said that it is a well informative image. तो जी अब है हमारी लास्ट इमेज, जो कि हम उसी टेम्पलेट के साथ बोलेंगे, और ये इमेज ऐसी होती है जो डिस्क्राइब में सबसे टफ लगती है, स्टूडेंट को देख के डर जाते हैं। मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही करता था, एक देख के डर जाता था, क्योंकि इसमें क्या होता है देखो, ना तो कोई वर्ड्स दिए गए हैं, ना कोई स्पेलिंग है, ना कुछ लिखा हुआ है, ना इसके बारे में कोई डिस्क्राइब किया गया भी है, क्या इमेज है, क्या चक्कर है। तो आपने क्या करना है, जो चीज़ें सिर्फ आपको दिख रही हैं ना, जैसे हैंड दिख रहा है आपको, टच मतलब शेक हैंड हो रहा है आपको, ये कुछ हाउस दिख रहा है, पेन पड़ा है, कीज दिख रही हैं, क्लिपबोर्ड पड़ा है, ये चीज़ें आपने लिख लेनी है पहले नोटबुक में, जो आपको वहाँ मिलेगी वहाँ पर, उसमें आपने लिख लेना है। उसके बाद आपको कैसे बोलना है वो हमें आपको बताते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, चल भाई। I have an interesting image in front of me. Let me have a closer look at this. By looking at this image closely, I can see that a number of trends are appearing. The best part of this task is that I have to speak about this image for next 30 seconds. So let's begin with the heading first. It is about simple picture. Moreover, there are some words and colors. Talking about words, I can see two hands, a house, a pen, a book, a cardboard, a table and some keys. Talking about colors, I can see black, white, red, blue and green. Overall, it can be said that it is a well informative image.
तो वीडियो देख लिए लास्ट तक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज डू इट द लाइक बटन तोड़ दें उसको मार के घुसा, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और कमेंट जरूर किया करो कैसी वीडियो लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वीडियो में, और आपका क्या फायदा हुआ इसके साथ। शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स का जो पीटी वगैरह कर रहे हैं। और रही बात ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है हमारी, हम बैच अभी फुल है वैसे तो, जब फिर भी मैं पर्सनल ट्रेनिंग दे 1-on-1 को अगर किसी को नीड होती है ज़्यादा, और तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हो मेरे पे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे, आपके सामने आईडी मेंशन हो जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा उस चीज़ का। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।